जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पर Redmi 9 पावर यूजर है ना, मैं उन लोगों को बता दूं कि Redmi 9 पावर के अंदर जो एक अपडेट फिर से यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हुआ MIUI 12.5.5.0 वाला। लास्ट अपडेट यहाँ पर 29 जनवरी को शायद रिलीज हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर 6 फरवरी को रात को लगभग 11 बजे के आसपास ही अपडेट दोबारा रोल आउट होना स्टार्ट हुआ और उसकी रिकवरी रोम आई थी। बस कुछ देर बाद यहाँ पर OTA लिंक भी देखने को मिल गया था। फिर मैंने रिकवरी रोम और OTA लिंक अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया है, पर अभी भी लोगों का यहाँ पर कहना आ रहा है कि हमको अपडेट देखने को मिला ही नहीं है। बट यहां पर जो Xiaomi वाले वो तो अपडेट रिलीज कर दे रहे हैं, उनकी तरफ से लिंक्स आ भी जा रहे हैं यहां पर जो Xiaomi की टीम है, और अपडेट तो यहां पर 12.5.5.0 वाला अपडेट देखने को मिल रहा है। 12.5.4.0 वाला जो अपडेट है वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अपडेट रिलीज हुआ है इसके अंदर आप सभी को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है, साथ में कुछ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है। और मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि ये जो अपडेट है 12.0.12.0 वालों को मिल रहा है कि 10.0 वालों का मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास तो ये डिवाइस है नहीं कि मैं आप लोगों को यहां पर सही तरीके से बता सकूं। मेरा बस काम ये कि मैं आपको यहां पर इन्फॉर्म कर सकता हूं कि अपडेट अब आ चुका है। तो यहां पर जो है ना, काफी जगह यहां पर लिंक्स भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, और जो ये Redmi 9 Power है इसके अंदर जो अपडेट है यहां पर रोल आउट होना भी स्टार्ट हो चुका है MIUI 12.5.5.0। मैंने इसका OTA लिंक, रिकवरी रोम दोनों प्रोवाइड कर दिए। मैं सजेस्ट करूंगा यहां पर OTA लिंक से मत करना, रिकवरी रोम से कर लेना। बट यहां पर कुछ सब्सक्राइबर लोगों ने मेरे यहां पर रिकवरी रोम से ट्राई किया है, पर उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, जिसमें यहां पर साफ साफ लोग कह रहे हैं कि जो है ना ये स्टेबल वर्जन नहीं है, इसको यहां पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे डिवाइस पे जो लोग यहाँ पर रिकवरी रोम के जरिए कर रहे हैं। बट यहाँ पर Xiaomi वालों की तरफ से तो ये कहना है कि पब्लिक रिलीज हो चुका है, और जो Xiaomi के जो ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उनकी तरफ से भी यही है कि पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और उनकी तरफ से भी रिकवरी रोम यहाँ पर जारी करी जा चुकी है, और उसके रिकवरी रोम के जरिए ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि देखिए OTA लिंक से करोगे तो 339 MB का पड़ेगा, पर 339 MB में आपको एंड्रॉइड 11 और 12.5 तो नहीं मिल सकता ना, तो कम से कम आपको रिकवरी रोम से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी एक आधे लोग और भी यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं। वैसे मैंने टेलीग्राम के अंदर आप सभी को बता दिया है कि यहां पर कुछ यूजर्स ने ट्राई कर लिया है रिकवरी रोम के जरिए, उनके डिवाइस में नहीं हो रहा है, बाकी और जिनको ट्राई करना है वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि देखिए यहां पर मैं अपनी तरफ से बता चुका हूं कि कई लोगों के डिवाइस में नहीं हो रहा है, तो आप अपना डाटा वेस्ट ना करें। तो अब आपकी मर्जी, आपको रिकवरी रोम से ट्राई करना है तो कर लो, और क्या चाह रहा है यहां पर आप लोगों के पास। क्योंकि Redmi 9 Power की जो हालत है Poco M2 Pro जैसी हुई पड़ी है। Poco M2 Pro के अंदर यहां पर अगस्त के महीने में एंड्रॉइड 11 अपडेट रिलीज हुआ था, उसके बाद से लगभग यहां पर काफी यूजर्स रह गए थे, और उनको अब जाके आज यहां पर 7 फरवरी को सुबह यहां पर 9:30 बजे के आसपास अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है, जो वो भी उनको कौन सा 12.5.2.0 वाला, ना कि यहां पर 3.0 वाला, बट उनको यहां पर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है लगभग यहां पर 6 महीने बाद। देख रहे हो, यहां पर 6 महीने बाद जाके अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है Poco M2 Pro के अंदर, जो यूजर्स रह गए थे एंड्रॉइड 11 और 12.5 के लिए। अब क्या पता Xiaomi वाले कहीं Redmi 9 Power की भी यही हालत ना बना दे कि इनको भी यहां पर 3 महीने या 6 महीने वेट करने पड़ जाए सही तरीके से, क्योंकि जहां तक लग रहा है कि सर्वर के अंदर कोई टेक्निकल इशू वगैरह चल रहा है जिसके कारण सही तरीके से अपडेट रोल आउट नहीं हो पा रहा है। कुछ कुछ यूजर्स को मिल रहा है, कुछ कुछ यूजर्स को नहीं मिल रहा है। बाकी मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर जाके ना सर्विस सेंटर के अंदर विजिट कर सकते हो, और उनको कह सकते हो कि यहां पर न्यू अपडेट भी आ चुका है 12.5.5.0 वाला, और आप लोग बस उनको ये कहिए और उनको समझाइए कि हमारे डिवाइस में कुछ देख लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, कि हमें कोई भी अपडेट्स नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई आपको सोल्यूशन तो बता ही देंगे, कुछ ना कुछ तो आपके डिवाइस के अंदर करेंगे जिसके कारण यहाँ पर आपको अपडेट्स जल्दी देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ पर कि आप लोग को अभी तक अपडेट मिला है कि नहीं मिला, और रिकवरी रोम से अगर आपको ट्राई करना है तो टेलीग्राम पर विजिट कर लीजिए हमारे चैनल के ऊपर, वहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एक बार ट्राई कर सकते हो। तो बस दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पर MIUI के अपडेट्स की न्यूज पाने के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।